देखिए, कोई आपको सुन रहा है, कोई आपको देख रहा है, लेकिन जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं। जी हाँ, खौफ की रात, देखिए क्यों न्यूज पर मेरे साथ। आप देख रहे हैं क्यू न्यूज़ पर खौफ की रात। दोस्तों, कहते हैं कि इंसानी दुनिया से परे एक और दुनिया है जहां भूत, प्रेत और आत्माओं का वास होता है। जी हां, मेरठ का एक जाना माना जीपी ब्लॉक, जिसको मेरठ में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। और इस वक्त क्यू न्यूज़ की टीम हॉन्टेड हाउस यानी जीपी ब्लॉक पर है, और आपको लेके चलूँगा, दिखाऊँगा क्या है ये जीपी ब्लॉक हॉन्टेड हाउस। अब हमारी एंट्री है, यहाँ से शुरुआत होती है जीपी ब्लॉक की। ये इसका एंट्रेंस है। ये बिल्कुल जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि एक हॉरर जो एक हवेली, भूतिया हवेली, तो भूतिया हवेली कहना बिल्कुल वाजिब होगा इसको। इधर देखिए आप, बिल्कुल झाड़ झंकार है चारों तरफ, बिल्कुल ये इसकी हालत आप देखिए। ये देखिए आप, पुरानी इमारत है, ये अंग्रेजों के ज़माने की इमारत है। ये इसका हाल आपके साथ। कहा जाता है कि यहाँ पर रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, और बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ पर बहुत सारे साए, बहुत सारी आवाज़ें सुनी गई हैं, बहुत सारी चीखें सुनी गई हैं। आपने देखा बाहर का नज़ारा, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से यहाँ से नज़र आएगा आपको, और इसके बाद हम आपको अंदर लेकर चलेंगे। उस वक्त दिन था, ये वक्त है रात का, और अब रात के वक्त क्यू न्यूज़ की टीम जी ब्लॉक सेंट मेरठ का हॉन्टेड हाउस का आ जाता है। अब हम उस घर के अंदर, हॉन्टेड हाउस के अंदर एंट्री कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल वीराना ये घर है। लगभग 1800 के दशक में इस ये घर के बारे में पता चला कि 1800 के दशक में इसको बनवाया गया था या बना था अंग्रेज़ों के ज़माने से, और इस वक्त बिल्कुल ये खंडहर के रूप में आपके सामने है। ये देखिए, और यहाँ से ये देखिए, यहाँ का जो व्यू है, ये सामने टूटा हुआ है, सामने से प्रोसिक जंगल है। मैं फिर बता दूँ आपको कि इस हॉन्टेड हाउस के बारे में लोगों ने कहा है, लोग बताते हैं कि यहाँ पर अक्सर रात को चीखने की आवाज़ें आती हैं, लोगों के चलने की आवाज़ें आती हैं, और कई दौर से एक सायों को भी देखा गया है। ये लोगों की ज़ुबानी है, जो हमारी टीम ने लोगों से बात की, उन सभी ने बताया कि यहाँ पर रात को चीखें सुनाई देती हैं बहुत सी, और लोगों के चलने फिरने की आवाज़ आती है, और लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं कोई आत्मा या किसी प्रेत का यहाँ पर साया है। किसी औरत को, किसी लेडी को लाल साड़ी के अंदर देखा गया है, लेकिन क्यों न्यूज़ की टीम इस वक्त हमारी पूरी साथ है। तो यहाँ अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ अभी कुछ हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया है, सिर्फ कमरा है, देखिए आप देखिए। हाँ, लेकिन इसका जो गेटअप है कमरे का, ये बिल्कुल एक भूता हवेली है। 2013 का ही कैलेंडर लगा है यहाँ पर, मान कि 2013 तक कुछ रिहाइश थी यहाँ पर। ये यहाँ पर एक दीपक भी रखा है, देखिए आप देखिए, दीपक भी है यहाँ पर, शायद जो रहते होंगे। और यहाँ पे मार एक, ये देखिए आपको ये भी यहाँ मिलेगा आपको, एक ये मूर्ति, ये यहाँ पड़ा, इसको मछलियाँ अच्छी जगह वही हॉन्टेड हाउस जीपी ब्लॉक का सेकंड पार्ट में मैं आपको लेकर आया हूँ। इस जगह के बारे में खास तौर पे फिर से बता दूँ आपको, यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे रात औरत लाल साड़ी में दिखाई देती है। ये पूरा आपको मैंने दिखाया कमरा, एक कमरा और एक कमरा, ये देखिए बिल्कुल खंडहर है ये, एक
जी ब्लॉक, इसे जी बी ब्लॉक या जी ब्लॉक करके बोलते हैं, और इंटरनेट पे आप देखेंगे इसको तो ये हॉन्टेड हाउस मेरिट में अगर टाइप करेंगे तो आपको यही जी ब्लॉक दिखाई देगा। ये देखिए बिल्कुल खंडहर है यहाँ पर, और ये जैसे कि किसी हम हॉरर फिल्म के अंदर देखते हैं, बिल्कुल खौफ की रात में। आज बस इतना ही दोस्तों, खौफ की रात में क्यू न्यूज़ की टीम इस वक्त है, आप जैसे मैंने आपको बताया कि जी ब्लॉक जिसको कि मेरठ में या इंटरनेट पे हॉन्टेड हाउस के नाम से जानते हैं, जिस लोकेशन है वो सेंट मेरी एकेडमी के सामने है। मैंने आपको इसके दोनों के दोनों पार्ट्स दिखाए हैं, और यहाँ के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर कोई असर है, कोई साया है, और इस जगह लोकेशन के बारे में तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर अक्सर रात को लाल साड़ी में कोई औरत दिखाई देती है। और दूसरी तरफ जो पहला पार्ट मैंने आपको दिखाया था, वहाँ लोग बोला कहते हैं कि अक्सर वहाँ पे चीखने की आवाज़ें आती हैं। तो आज बस हमारे खौफ की रात में इतना ही, कल मैं फिर एक आपको खौफनाक जगह लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं क्यू न्यूज़ की तरफ से नवेद खान आपसे विदा चाहूँगा। खुदा हाफिज़।